थोड़ी सी बारिश में भीगे नहीं तो सर्दी जुकाम चालू, थोड़ा सा मौसम बदला नहीं तो बीमारियां चालू। अरे भाई ये हो क्या रहा है, मुझे तो कभी पता नहीं चला क्योंकि मैं आज तक मौसम बदलने से कभी बीमारी नहीं पड़ा। एक्चुअली हमारी इंडियन क्यूजिन में खूब सारी ढेर सारी हर्ब्स है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसी के लिए तो हम हैं। अंजलि भी कहती है कि ढेर सारे हर्ब्स रेसिपीज में यूज करनी चाहिए, तो बनाते हैं हर्ब्स से भरपूर रेसिपी और वो है बेसिल आलमंड सूप। तो ये पैन गरम कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्दी ऑलिव ऑयल डाल लिया इसमें, गार्लिक बहुत अच्छा माना जाता है तो गार्लिक ले लेता हूँ, गार्लिक का पेस्ट ये, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी यानी कि जिंजर पेस्ट ये थोड़ा सा ले लिए एक चम्मच, और इसे हल्का सा सौते करते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये, स्वादिष्ट है, क्रीमी है, जबकि इसमें क्रीम डल नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये क्रीमी लगेगी आपको। ये बादाम का पेस्ट, ढेर सारा आमंड पेस्ट। अभी सूप में हम बादाम डाल रहे हैं, आप सोचेंगे बादाम इतना फैट होता है उसमें, लेकिन आप घबराइए मत क्योंकि इसमें जो फैट होता है वो फायदेमंद फैट होता है, विच इज गुड फॉर योर हार्ट, गुड फॉर योर कोलेस्ट्रॉल। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, इससे आपकी ब्लड शुगर भी काफी हद तक स्टेबलाइज हो जाती है, इसीलिए हम ये डायबिटिक्स को भी बादाम खाने के लिए कहते हैं। और सबसे अच्छी बात है तो जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी खा सकते हैं बादाम, क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा भूख नहीं लगती, इसमें सटाइटी वैल्यू बहुत ज्यादा है। भाई कितना भी रिच हो जब तक थोड़ा सा तीखा चटपटा ना बने मजा नहीं है, तो थोड़ा सा चिली पाउडर इसमें डाल दिया और ढेर सारे तुलसी के पत्ते, स्वीट बेजिल, तो ये स्वीट बेजिल लीव्स इसमें ये डाल दिए, थोड़ा सा भून लेते हैं इसको। चलिए ये भून गया, फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर इसमें यानी कि काली मिर्च ये डाल ली इसमें, ये नमक के बिना तो जिंदगी अधूरी है, स्वाद ही नहीं, तो थोड़ा सा नमक ये डाल दिया, और अब खूब सारा पानी ये डाल देते हैं इसमें। इसे उबाल आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, इस सूप में उबाल तो अब आ गया है, अब इसे गाढ़ा करने के लिए थोड़ा सा अरारूट का जो पेस्ट है ये इसमें डाल देते हैं, तो ये आरा रूट का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। देखिए तुरंत ये जो सूप है वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और अब बेसिल अभी तक गला नहीं है, जब तक आप ब्लेंड नहीं करोगे वो गलेगा भी नहीं, तो ये हैंड ब्लेंडर मेरे पास, और इससे क्या बात है, एक महक आ रही है, जैसे ही मैंने ब्लेंड किया इसको मुझे महक आ गई बेसिल की, फ्रेश बेसिल है, रिचनेस ऑफ आमंड है, ज्यादा मसालेदार नहीं है, क्लीन फ्लेवर है, लेकिन मॉनसून के लिए यानी बारिश के लिए तो जबरदस्त रेसिपी है। तो गर्मा गर्म ये सूप आप परोसे, तो ये परोस दिया, और बारीक कटे हुए टमाटर की ये डाइसेस, ये ऐसे, और हरा प्याज है मेरे पास, और ये हरा प्याज जो है इसके पतले पतले रेशे मैंने काट लिए हैं, ये इधर ये डाल दिया, और बस इसके पहले कि सब भाप जो है उड़ जाए और आपके डिश का मजा थोड़ा सा कम हो जाए, गर्मा गर्म प्लेट पे डालिए और ब्राउन होल व्हीट ब्रेड स्टिक्स के साथ इसे सर्व करिए, दोनों का काम आता है, इसे चाहे तो आप स्टर कर सकते हैं, इसे खा सकते हैं, कुछ भी करिए। देखिए बढ़िया सी सिंपल सी रेसिपी, मसालेदार बिल्कुल नहीं बनानी है, रिच बनानी है, फ्लेवरफुल बनानी है, खासकर मानसून के लिए, और वो है बेसिल एंड आमंड सूप। बेसिल आमंड सूप बनाने के लिए पैन में एक बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डालकर सौटे कर लीजिए। इसमें एक चौथाई कप बादाम का पेस्ट, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा कप बेसिल या तुलसी के पत्ते मिलाकर भून लीजिए। बेसिल के भूनने के बाद एक छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, नमक और 3 से 4 कप पानी डालकर सूप उबाल लीजिए। उबालने के बाद अरारूट आटे का पेस्ट मिलाकर सूप को गाढ़ा करके ब्लेंड कर लीजिए। बेसिल आमंड सूप को टमाटर और हरे प्याज के साथ गार्निश करके होल व्हीट ब्रेड स्टिक्स के साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए।